दोस्तों नमस्कार, मैं मां संतोष यादव पीएमएलटी न्यूज से। एक अच्छी खबर है सभी लोग के लिए, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो एक अभी विज्ञप्ति जारी की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट से संबंधित और बुक्स से संबंधित, जिससे आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलोबायोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग उसे पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो पाएगा और प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो सिलेबस की बात है, सिलेबस के लिए दो दिन के बाद सिलेबस पर भी वीडियो मेरा आएगा, आप उसको देखिएगा। मैं उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम विज्ञप्ति की ओर चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट की ओर चलते हैं, और स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव पीएमएलटी न्यूज से हैं, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग बहुत समय से सरकारी नौकरी की चाहत रख रहे थे और वो भी एक अच्छे सेक्टर में अच्छी जगह पर, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी ग्रुप बी ग्रुप सी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जारी कर दी गई है। वीडियो को प्लीज़, जो भी लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। कृपया अगर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। और बुक्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उससे आप प्रिपरेशन करें और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वैकेंसी के बारे में जानते हैं, कहाँ की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा डिटेल मिलेगा इसी वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद जो है चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप लोग के लिए ही बनता है। हो सकता है कि आप सब्सक्राइब ना करें और नेक्स्ट टाइम भी जो है कोई इस तरह की वीडियोस आए जॉब से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, तो आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तो वैकेंसी कहाँ की है? वैकेंसी है भैया BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिफेंस की वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ की, इसमें लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। और आप सब लोग, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जब अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम को फाइट करेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो आप बनेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। आपको एक अच्छी सी वर्दी मिलेगी, उसमें आपको बहुत प्राउड फील होगा। तो तैयारी करने के लिए दोबारा मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है बुक्स की, उस बुक्स को परचेस कीजिए। और जो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बने हैं वो इसी बेस पे बने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर, और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। SI स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 37 वैकेंसी है, 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 10+2 बायोलॉजी में होना चाहिए, और GNM जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, उसके बाद स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एक पोस्ट है, 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो 10+2 साइंस और ऑपरेशन थिएटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स चलेगा। चलिए, आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, आप लोगों से संबंधित वैकेंसी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रुप सी पोस्ट,
टोटल 28 पोस्ट है, 18 से 25 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 बायोलॉजी से होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के से। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे भी, ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने BMLT किया होगा या BSc MLT किया होगा, वो लोग मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने का आपको आंसर भी मिलेगा, और उसके लिए आप लोग को प्रयास करना पड़ेगा। आप लोग को स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को ही उसका फ़ायदा बेनिफिट लेना है। तो BMLT के लोग ध्यान दें, यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT मांगा है, सिर्फ DMLT। बहुत सारे लोग जो BMLT BSc MLT किए हुए हैं वो लोग बोले हैं कि इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक गंभीर विषय है। इसके लिए आप सब लोग प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग कमेंट करेंगे, जो लोग इसका आंसर चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ कमेंट करें। मैं अपना नंबर दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं इसका सलूशन बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट वैकेंसी है सिटी वार्ड बॉय की, 9 वैकेंसी है, 18 से 23 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड का, कोई मतलब नहीं है हमारे किसी काम का नहीं है। वेटनरी स्टाफ का 20 पोस्ट है, कोई किसी ने जो है वेटनरी में डिप्लोमा किया होगा तो प्लीज़ उनको आप बता दीजिएगा। 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड प्रोसेसिंग, उन्होंने 1 ईयर का कोर्स किया हो वेटनरी शॉक असिस्टेंट का, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर कांस्टेबल ग्रुप सी की पोस्ट है, 10वीं के लिए है, जिन्होंने 2 ईयर्स का एनिमल या वेटनरी साइंसेस में कहीं कुछ जिस डिप्लोमा किया होगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात चलते हैं, लास्ट डेट क्या होगी। लास्ट डेट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो भी डेट आई होगी उसके 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर लेना है। इसी वीडियो में हम बताएंगे कि वो डेट, लास्ट डेट क्या है, कौन सी है। वेबसाइट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दो टाइप की लिंक देंगे, एक बुक से संबंधित और एक वेबसाइट से संबंधित, www.bsf.gov.in। ओके, एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, जो लोग ST SC में आते हैं, OBC में आते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन का समझिएगा, मान लेते हैं कि 18 से 28 साल के लोग हैं, जो जनरल के लोग हैं वो तो 28 साल के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी की एज, अगर कैंडिडेट्स ST में है और उसकी एज 28 साल की है, ठीक है, 28 साल की एज है उसकी, तो 5 साल और लगा लीजिए, 5 साल, तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, मतलब SC ST वाले लोग जिनकी उम्र 32 साल है, 32 साल तक के लोग जो है, लेस देन 32 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग OBC में हैं 3 ईयर्स, मतलब 28, 29, 30, 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन का, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और हम चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण क्या है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल स्टैंडर्ड्स। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का चेस्ट एक्सपेंडेड होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए, ठीक है। फीमेल में जो है नॉट अप्लीकेबल है, लेकिन एज फीमेल में 150 सेंटीमीटर चाहिए। ये है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर OT, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन। ये हो गया, उसके बाद जो है आपको और भी डिटेल्स इसमें दी हुई है, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, क्लियर कट है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस क्या क्या आएगा इस पर, एक सिलेबस से संबंधित, कोर्स से संबंधित एक और वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो में आप देखिएगा, 1-2 दिन के बाद वो वीडियो आएगा,
सिलेबस क्या है, क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। चलिए उसके बाद जो है आपका फिजिकल और भी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपका रन रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स होना चाहिए और 11 फीट का जंप, लॉन्ग जंप होना चाहिए, हाई जंप होना चाहिए, ये सब भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अब महत्वपूर्ण चीज़, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। ऑनलाइन मोड आपको अप्लीकेशन सबमिट करना है, 200 रुपीज़ फीस है। अब यहाँ क्या दिया, द फैसिलिटी ऑफ, फिर से कहते हैं, द फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी ओपन इन BSF वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी दे दी जाएगी, और 27/6 से, मतलब 27/6 से ओपन हो चुकी है, आज 28 तारीख है तो अब स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट होगी 26/7, 26 जुलाई 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। 200 रुपये फीस लगेगी ग्रुप बी के लिए। अच्छा, ग्रुप सी के लिए एक और चीज़, 100 रुपये, 100 रुपीज़ फीस लगनी है मात्र, जो लोग लाइव टेक्नीशियन का पोस्ट अप्लाई करेंगे उनका 100 रुपीज़ ही लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। सेंटर्स आपको चूज़ करना है, सेंटर आएगा उसके अंदर, बहुत सारे सेंटर्स दिया हुआ है ये, आप उन सेंटर्स को चूज़ कर लीजिएगा, उन सेंटर्स पे आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, वो डिटेल हम देंगे आपको एक दो दिन के बाद, जो है सिलेबस से संबंधित वीडियो आएगा। और इसी चैनल पर प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जमाने से सिर्फ फ़ायदा ये होता है विथ ऑल नोटिफिकेशन कि किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो हमारे द्वारा आता है तो आप तक तुरंत पहुंचेगा और आप लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल है। और किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, उसका शीघ्र अति शीघ्रता के साथ मैं आंसर देता हूँ। तो एक अच्छी खबर है, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। और सिलेबस से संबंधित कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। बुक्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, परचेस कीजिए, बहुत सही समय है, राइट टाइम है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, आप लोग इतना धैर्यपूर्वक आपने वीडियो को सुना, देखा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।